अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, फार्म की अपडेट देनी थी। कुछ थोड़ी माल आज डिस्टर्ब है, कुछ बड़ा माल भी थोड़ा डिस्टर्ब है। दुम्बे में एक दुम्बा है, वो डिस्टर्ब है। इसके अलावा कुछ नए बकरे आए थे पंजाब से, तो वो वाला माल भी थोड़ा डिस्टर्ब है, तो उसकी भी सारी अपडेट देंगे। इसके अलावा क्या सीन है, क्या सूरत हाल है फार्म की, और माशाल्लाह से कुछ न्यू एंट्रीज भी हुई हैं, तो इंशाल्लाह उसकी भी आपको इसी वीडियो में अपडेट दूंगा। अच्छा, किसी भाइयों को खीरे बकरे चाहिए तो वो भी फार्म पे आ चुके हैं, तो उसकी भी मैं आपको अपडेट इंशाल्लाह इसी वीडियो में देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले इससे शुरू कर रहे हैं। पहला बकरा ये है, ये पलाई पे ही आया हुआ है। बकरे तीनों साथ ही आए थे, वो तो माशाल्लाह टेढ़े सेट हैं, लेकिन ये बकरा इसको अलग कर दिया है। ये बकरा कमज़ोर भी है, इसके साथ साथ इसकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है। रही बात यहाँ पे जो पंजाब से पुराना माल आया था पीछे जो रखा हुआ है, वो तो माशाल्लाह सारा माल सेट है। बाकी दुम्बों में जो रिजवान भाई, अगर आप देख रहे हैं तो आपके वाले दुम्बे को आज नज़ला बुखार हुआ हुआ है, तो उसकी वजह से आज वैसे पंच और खस्सी करने का प्रोग्राम था, लेकिन वो भी हमने पोस्टपोन कर दिया कि माल थोड़ा सेट हो जाए। मौसम की वजह से दो दिन बारिश हुई, उसके बाद अगले दिन फ़ौरन इतनी तेज़ धूप निकली जिसकी वजह से माल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। अभी भी मौसम ठंडा हो रहा है, दिन में गर्मी हो रही है, तो उसकी वजह से हमें भी नज़ला बुखार हो रहा है, तो इसी तरह माल को भी नज़ला बुखार हो रहा है। टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन रिजवान भाई ये आपको मैंने कहा एक अपडेट भी दे दूँ भाई। रिजवान भाई का दुम्बा ये थोड़ा सा आज बुखार में और नज़ले में है, बाकी दाना इसने खाया है, ऐसी बात नहीं है कि दाना नहीं खाया। बाकी यहाँ पर जो है टेढ़े, वो भी सारे माशाल्लाह से सेट हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सब माल खा पी के अल्लाह का शुक्र है सेट है। रही बात इन टेडों की, तो ये भी माशाल्लाह छोटे छोटे हैं, लेकिन ये भी माशाल्लाह सेट है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बता रहा था खीरे बकरों की एंट्री हुई है कुछ, तो वो भी अपडेट देता हूँ। बाकी माशाल्लाह से ये भी खस्सी होना है, तो उसको भी माशाल्लाह खस्सी कर देंगे। ये बिसर टापरे का बकरा है। बाकी ये गब्बन, इनको आयोमैक की भी वैक्सीन सारी हो गई है। बाकी ये आतिफ भाई, आपके बकरे का जो ज़ख्म हुआ था, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो माशाल्लाह से वो भी अपसेट हो गया, उस पर बाल आने, तो ये भी माशाल्लाह ओके चल रहा है। बाकी बकरी भी ओके है। साथ भाई आपका एक बकरा ये जो आया है कपला, ये आपका देख लें भाई। इसके अलावा भाई न्यू एंट्रीज में ये आए हैं, ये अभी आए हैं, तो इनकी जाहिर सी बात है अभी हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ये रंग सूरत में आ जाएंगे, तो फिर आपको मैं इंशाल्लाह इसकी अपडेट दे दूँगा। बकरे तीन बकरे अवेलेबल फॉर सेल हैं, आए टोटल चार थे, लेकिन आप जो है इनमें से तीन बकरे अवेलेबल फॉर सेल हैं। ये एक कपला है, ठीक है, ये डबल पासे में, और ये भी डबल पासे में। तीनों खस्सी बकरे हैं और तीनों खीरे हैं, ठीक है भाई। बाकी साथ भाई का जो बकरा है, साथ भाई ये आप देख लें माशाल्लाह से, ये आपका नमक खा रहा है, और ये भी माशाल्लाह खीरा और रेडी है, ये भी माशाल्लाह बेहतरीन। तो साथ भाई आपको मैंने कहा अभी अभी पहुँचे हैं बिल्कुल ना, देखें ये देखें भाई माशाल्लाह। साथ भाई का एक ये बकरा हो गया भाई, एक ये कपला हो गया, ठीक है। इसके अलावा साथ भाई का एक मुंडा है, जो पे बड़े वाले बकरों के खाते में, इंशाल्लाह अभी मुंडों के बाद वहाँ भी चलते हैं, उस खाते में भी आप लोगों को बाकी मैं दिखा दूँगा, ठीक है दोस्तों। बाकी ये बात भाई आपके दोनों बकरे, ये भी माशाल्लाह अब सेट हो गए काफ़ी और बेहतर होते जा रहे हैं ना, ठीक है भाई, चले भाई। अच्छा जी, बड़े बकरों में जो प्रोग्रेस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ भी मिट्टी अब भर चुकी है। बाकी सलीम भाई आपका भी बकरा माशाल्लाह, सलीम भाई ओके है, ठीक चल रहा है माशाल्लाह से। बाकी शहरी भाई आपका भी बकरे माशाल्लाह ओके चल रहे हैं, ये हमारा है, ये अवेलेबल फॉर सेल है, ये भी माशाल्लाह सेट है। बाकी सां भाई आपका भी माशाल्लाह बकरा सेट है, थोड़ा इसके कानों पे दाने हो गए तो उसके लिए इसको मेडिसिन लगा दिए, ये भी माशाल्लाह सेट है। बाकी ये साथ भाई आपका मुंडा, ये भी माशाल्लाह ओके है, और ये भी माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्रेस कर रहा है। आज हमारा था कि खस्सी कराते और पंच कराते, लेकिन पोस्टपोन कर दिए उसकी वजह से कि बकरे थोड़े डाउन डाउन से चल रहे थे। बाकी ये भी इसका जो सिंह का था वो भी माशाल्लाह काफ़ी प्रोग्रेस में और काफ़ी ओके चल रहा है ना, तो ये है कि माल अंडर कंट्रोल है। तबीयत अप एंड डाउन थोड़ी चल रही है आज माल की, लेकिन ये है कि भाई सेट है। बाकी सलीम भाई ये देख रहे हैं माशाल्लाह आपका बकरा, हुसामा भाई आपका बकरा, शहरी भाई आपका बकरा, ये भी शहरी भाई का है, बाकी साथ भाई ये आपका मुंडा, तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। बाकी अल्लाह का शुक्र है सब माल ओके है। चलते हैं अब आगे बड़े माल पे, बड़े माल की भी आपको कुछ दो तीन बातें हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को बताते हैं। अच्छा जी दोस्तों, बड़े माल की प्रोग्रेस ये है कि गेम बछड़ी अमीनिया में आ गई है, तो इसकी सारी जो वैक्सीन वगैरह है और ट्रीटमेंट वगैरह हैं वो कर दिए हैं, लेकिन इसने अभी शाम का वंडा नहीं उठाया है, तूड़ी भी नहीं उठाई, वंडा भी नहीं उठाया, ये आप देख सकते हैं, लेकिन सुबह वाला वंडा इसने खाया था। बाकी मोरे आ गए थे, मोरे सबके चेंज कर दिए थे, तो ये है, इसको भी अब एहतियातन तौर पे अलग कर दिया है, दूर कर दिया है,
बाकी इंशाल्लाह इसका ये प्रोग्रेस किया है। डॉक्टर ने भी ये कहा कि ये चल रहा है, काफ़ी सारे फार्म से आ रही है मसला, निमोनिया का मसला इसकी वजह से आता है क्योंकि मौसम जब स्टेबल नहीं रहता तो उसकी वजह से हो जाता है। बाकी इसका पानी वानी हमने कंट्रोल में दे रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है ट्रीटमेंट भी हो गई है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छी ये प्रोग्रेस कर लेगी और रिकवर हो जाएगी। जी बाकी जो हमारे पास रोमियो, कट्टू और रानी, ये जो गायें थी आप लोग जानते हैं तलहा भाई की थी, तो तलहा भाई ने माशाल्लाह माशाल्लाह अपना फार्म कर लिया और अपना एक ब्रीडिंग सेटअप डाल दिया, तो इसलिए वो काउस जो हैं वो वहाँ शिफ्ट हो गई हैं। इंशाल्लाह तलहा भाई के फार्म भी जाएंगे और फिर वहाँ भी उनके माशाल्लाह प्रोग्रेस देख के बताएंगे। बाकी शाह भाई वाला रॉबिन जो है वो अभी यहाँ फ़िलहाल अवेलेबल है, वो यहीं पर रहा है, तो इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस बनती है। हो सकता है कि कुछ न्यू एंट्रीज भी हों बहुत जल्द, तो उसकी भी अपडेट देंगे। बाकी ये बछड़ी भी निमोनिया में है, तबीयत इसकी ख़राब है, इसने भी वंडा आज नहीं उठाया है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ट्रीटमेंट हो गई है, रिकवर हो जाएंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी मोरे इसकी भी चेंज कर दिए, इसका भी मोरा चेंज कर दिया, तो इंशाल्लाह कोई टेंशन वाली बात नहीं है और रिकवर कर लेंगी माशाल्लाह। बाकी रॉबिन की जो प्रोग्रेस है, रॉबिन अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ों पाक और साफ और सेट है। इसका मोरा अभी नहीं चेंज करा रॉबिन का, क्योंकि अभी उसको ज़रूरत नहीं है मोरा, उसका सेट जला हुआ लेदर का काफ़ी अच्छा जला हुआ था, तो अभी उसको फ़िलहाल नहीं करा, जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो रॉबिन भी कर देंगे। बाकी ये है कि माशाल्लाह रॉबिन खाने पीने में हर चीज़ में रिमॉर्विंग भी कर दी थी, तो ये अल्लाह का शुक्र है सेट है। बाकी आप देख के बताएं माशाल्लाह, ओके ओके भी रॉबिन की अब बढ़ना शुरू हो गई है, इसका नाम रॉबिन रखा है और माशाल्लाह ये भी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, तो इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ भाई ये भी माशाल्लाह ओके चल रहा है और अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सेट है, बस ये हाथ लगाने नहीं देता, डरता बहुत है। अब सेट होने लगी है रॉबिन माशाल्लाह, इंशाल्लाह ये हो जाएगा बेहतर। बाकी जब सफाई हो रही है तो काफ़ी से तो बेहतर हो गया। बाकी हाइट में जो है माशाल्लाह हाइट की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है इसकी और होप हाइट कर रहा है माशाल्लाह। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।